नमस्कार दोस्तों, आईडीसी डिजिटल प्रिंटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हमने बनाई है उन कस्टमर के लिए जो कस्टमर परेशान रहते हैं कि सर हमारी मशीन में एनवलप नहीं चलता, एनवलप अगर हम चलाएँ तो डीसी 250, 550 या फिर 75 सीरीज़ की मशीन में कैसे चलाएँ। तो उन्हीं लोगों के सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो बनाई है और एनवलप प्रिंटिंग किस तरीके से होगी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बस सिंपली छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप भी एनवलप प्रिंटिंग कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एनवलप प्रिंटिंग कैसे होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आईडीसी डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये हमारा एनवलप है और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनवलप कैसे प्रिंट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा एनवलप सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केल से इसको मेज़र कर लेना है कि इसका साइज़ कितना है। साइज़ आपको कैसे इंची में नहीं एमएम में देखना है। तो एमएम में जैसे कि हम देख रहे हैं इसका ये है 140 एमएम और इसकी लेंथ है 233 एमएम। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे डिस्प्ले पे। ये जैसे कि हम डिस्प्ले पे आ गए हैं, अभी हमें क्या करना है, डिस्प्ले पे जितने एमएम हमने नापा था उतने एमएम का एक पेज बनाना है। जैसा कि मैंने एक नापा था एमएम में, मैंने एक पेज बना लिया 233 और 140। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी आपकी इमेज पिक्चर जो भी वर्डिंग होगी, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, आप वो एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप कर लीजिए। मैं आईडीसी प्रिंटर सॉल्यूशंस, ये जैसे कि मैंने इसको प्रिंट करना है। ये सेटिंग आपको देखनी है, सेटिंग मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मैंने इसे रेड कलर में कर लिया। अब हमने पेज बना लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी इमेज लगा ली, कंट्रोल पी करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, लैंडस्केप है हमारी फाइल, मीडिया टाइप हम लोग जनरली यूज़ मशीन सेटिंग पे छोड़ दें अगर आप लेटर हेड प्रिंटिंग कर रहे हैं तो। पेपर साइज़ जो है वो पेपर जो है सोर्सेज वो आपको बाईपास सेलेक्ट करना और पेपर साइज़ में आपको कस्टम पे क्लिक करना है एमएम पे। अब हमारी विड्थ कितनी है 144 और हाइट कितनी है 233। ओके, ये हमने सब कुछ कर लिया है, सही है। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा ग्लॉसी कर लेता हूँ, स्मूथनेस कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने अप्लाई कर लिया, मैं इसका प्रीव्यू देख लूँगा। ये मेरा प्रीव्यू आ गया, तो मैं यहाँ से इसे कमांड दे देता हूँ। ये हमारी कमांड वर्क स्टेशन में आई है, अभी ये हमारी कमांड वर्क स्टेशन में आई, हमारी फाइल जो है ये फाइल में आ गई है, ये देख रहे हैं आप। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये हमारा एनवलप आ गया। अब हम करेंगे इसे प्रिंट बाईपास में। जिस साइड फ्लैप खुलता है ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा।
और आप ये देख रहे हैं ये प्रिंट हो गया, एनवलप प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा एनवलप प्रिंट बहुत आसानी से हो जाता है, तो आप भी ट्राई करके देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा ज़रूर इस विषय में। तो दोस्तों आपने देखा एनवलप प्रिंटिंग भी काफ़ी आसान थी। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप डालता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ज़रूर मिल जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से हाजिर होऊंगा कुछ नया और क्रिएटिव। अगर आप चाहते हैं कि आप जो बताएं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, किस प्रॉब्लम में आप ज़्यादातर जूझ रहे हैं या परेशान हैं, जिस प्रॉब्लम से आप मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम का वीडियो आपको बनाकर सॉल्यूशन दूँगा।